मध्य प्रदेश भाजपा के सेनापति को मिल गई है एक और बड़ी जिम्मेदारी। बताऊंगा विष्णुदत्त शर्मा के उस राजनीतिक करियर के बारे में जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती है, लेकिन उसके लिए रुकना होगा आपको यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम विवान है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। आज पंजाब केसरी पर मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता विष्णुदत्त शर्मा की बात करेंगे और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से आप हमारी खबरें देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट बॉक्स पर आकर के लिखा भी करिए कि आखिरकार आप लोगों को हमारी खबरें कैसी लग रही हैं। चलिए अब मैं ये पूरी स्टोरी बताता हूं। वर्ष 1987 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राजनीति में कदम रखने वाले विष्णुदत्त शर्मा उस वर्ष के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। पर्दे के पीछे रहकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भी काफी करीबी माने जाते हैं विष्णुदत्त शर्मा। इसके साथ में ही मैं आपको बता दूं कि जब वो पर्दे के पीछे रहे तो उन्होंने संगठन के कई बड़े पदों को संभाला, राज्य संगठन सचिव, राष्ट्रीय महासचिव या फिर नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष का पद हो, उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस पद को निभाया है। जी हाँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कहा करते हैं जो उन दिनों राजनीतिक गलियारों में हर रोज बैठकें लगाते थे और इसके साथ में ही विष्णुदत्त शर्मा के काम को काफी करीब से देखते थे। इसके साथ में ही जब हम बात करें, उन्होंने पहली बार लोकसभा, जी हाँ लोकसभा का चुनाव लड़ा खुजराहो सीट से, तो उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 400,000 से भी अधिक वोटों से हराया। उसके बाद तो फिर सबको समझ आ गया कि आखिरकार विष्णुदत्त शर्मा का लोहा क्यों माना जाता है। मुरैना से आने वाले इस नेता ने उसके बाद पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। जब से राजनीति में आए हैं लगातार काम करते रहे हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताते हुए इन्हें मध्य प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और उसके बाद बीते कुछ दिनों पहले ही अब एक बार फिर से उनका नाम चर्चा में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें एक केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण समिति में शामिल किए जाने को लेकर के नॉमिनेट किया है। विदेशी मामलों के संसदीय समिति में अब विष्णुदत्त शर्मा सदस्य होंगे। जी हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है और अब विदेशी मामलों से जुड़ी कई गतिविधियों में वो भी विचार विमर्श करेंगे, वो सदस्य होंगे और विदेशी याद एक बार फिर से उनका नाम चर्चा में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें एक केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण समिति में शामिल किए जाने को लेकर के नॉमिनेट किया है। विदेशी मामलों के संसदीय समिति में अब विष्णुदत्त शर्मा सदस्य होंगे। जी हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है और अब विदेशी मामलों से जुड़ी कई गतिविधियों में वो भी विचार विमर्श करेंगे, वो सब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।